जय श्री महाकाल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं दुर्लभ कश्यप का सबसे बड़ा फैन विपुल कोहिनूर के बारे में। दोस्तों दुर्लभ कश्यप का सबसे बड़ा फैन विपुल कोहिनूर के ऊपर एक खतरनाक आरोप लगाया गया है। बताया जा रहा है विपुल कोहिनूर लड़कियों के साथ गलत हरकत कर रहा था। और दोस्तों विपुल कोहिनूर के बारे में ये भी बताया जाता है वो बाबा महाकाल का परम भक्त होने के बावजूद भी कुछ ऐसा किया जिसके बाद महाकाल भक्तों का बदनामी हो रहा है। आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा आखिरकार विपुल कोहिनूर का क्या है सच्चाई, क्या सचमुच विपुल कोहिनूर लड़कियों के साथ गलत करता था, और क्या विपुल कोहिनूर के ऊपर जिन लोगों ने आरोप लगाया है उन लोगों का आरोप सही है या फिर गलत है। तो आज के इस वीडियो को पूरा देखना। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें दुर्लभ कश्यप मध्य प्रदेश के उज्जैन का एक मशहूर गैंगस्टर था जिसने 16 साल की उम्र में ही अपराध की दुनिया में कदम रख दिया। आपको बता दें दुर्लभ कश्यप ने अपने जिंदगी में कई तरह का वाहियात काम करा और दोस्तों बहुत कम ही समय में दुर्लभ कश्यप ने अपना इतना ज्यादा नाम बना लिया कि बहुत सारे ऐसे लड़के जो कि दुर्लभ कश्यप के दीवाने बन गए। दोस्तों बताया जाता है जब विपुल कोहिनूर को पता चला साल 2020 में दुर्लभ कश्यप इस दुनिया को अलविदा कह चुका है, और दोस्तों दुर्लभ कश्यप के गुजरने के बाद सोशल मीडिया पर दुर्लभ कश्यप ट्रेंडिंग में चल रहा था, उसी वक्त विपुल कोहिनूर ने सोशल मीडिया पर अपना कदम रखा और दोस्तों दुर्लभ कश्यप का सहारा लेकर ये भी बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। हालांकि आज के समय में ऐसे बहुत सारे लड़के हैं जो कि सोशल मीडिया के माध्यम से विपुल कोहिनूर को फॉलो करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा दुखद बात यह है कि विपुल कोहिनूर के ऊपर आरोप लगाया गया कि वो लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार कर रहा था। दोस्तों विपुल कोहिनूर के बारे में बोला गया कि वो लड़कियों को देखकर गलत हरकत कर रहा था, लेकिन इस वीडियो में आपको हम बताने जा रहे हैं आखिरकार विपुल कोहिनूर का सच्चाई क्या है। आपको बता दें जिस तरह से दुर्लभ कश्यप बाबा महाकाल का परम भक्त था उसी तरह से विपुल कोहिनूर भी बाबा महाकाल का परम भक्त है। दोस्तों दुर्लभ कश्यप के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि दुर्लभ कश्यप जब तक जिंदा रहा तब तक उसने आपराधिक काम करा, ये बात सही है, लेकिन दुर्लभ कश्यप कभी भी किसी भी लड़की के साथ कुछ गलत नहीं करा। और दोस्तों दुर्लभ कश्यप के बारे में आज तक कोई भी लड़की ये शिकायत नहीं की कि दुर्लभ कश्यप ने उसके साथ गलत करा। दुर्लभ कश्यप ने कभी किसी लड़की के साथ गलत आचरण नहीं करा, और यही वजह है कि आज के समय में ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो कि दुर्लभ कश्यप को बहुत ज्यादा पसंद करती है। लेकिन दोस्तों विपुल कोहिनूर के बारे में क्या है सच्चाई, क्या विपुल कोहिनूर सचमुच किसी लड़की के साथ गलत कर रहा था? दोस्तों बताया जाता है विपुल कोहिनूर के ऊपर ये झूठा आरोप लगाया गया। विपुल कोहिनूर की इमेज को खराब करने के लिए कुछ लोगों ने विपुल कोहिनूर के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक साजिश रचा और विपुल कोहिनूर को बदनाम करने का कोशिश करा। आपको बता दें बाबा महाकाल का जितना भी परम भक्त होता है, जो भी बाबा महाकाल का सच्चा भक्त होगा वो कभी भी किसी भी लड़की के साथ गंदा आचरण कर ही नहीं सकता है। और दोस्तों बाबा महाकाल का भक्त केवल लोगों का मदद करता है, वो कभी भी लोगों का गलत नहीं करता है, लोगों का अहित नहीं करता है। तो इस बात का ध्यान रहना चाहिए आप लोगों को भी, और यदि आप भी बाबा महाकाल के परम भक्त हो तो कभी भी बाबा महाकाल के नाम को खराब मत करना, लड़कियों का सम्मान करना, अपने दोस्तों का हमेशा सहारा बनना, और जो लोग गरीब हैं जो लोग दुखी हैं उनका जरूर मदद करना। जय श्री महाकाल। दोस्तों मिलता हूं अगले नए वीडियो में नई खबर के साथ, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों से भी शेयर करना। जय श्री महाकाल।